कैसा क्या है, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एंड अभी जस्ट मेरे एक दूसरे व्लॉग के एंडिंग की और नए व्लॉग की शुरुआत की। एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं अब से थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो जाऊँ, यूट्यूब पे भी नए व्लॉग्स डालते रहूँ। बिकॉज एंड आई एम रियली सॉरी एंड आई अपोलोजाइज। मेरे को पता है बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर रहे होंगे इन्फॉर्मेशन के लिए या कुछ, बट मेरा इंस्टाग्राम ऑफ है तो आई कांट रिप्लाई। बट मैं एक्टिव जैसे आऊँगा मैं वैसे सबको रिप्लाई करूँगा। एंड अभी फिलहाल आज ट्रेनिंग डे है, जैसे कि आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा। मैं लंदन लीग खेल रहा हूँ इंडियन जिम खाना FC से, तो उसी का ट्रेनिंग सेशन है। 7 बजे का ट्रेनिंग सेशन है, अभी 4 बज रहे हैं। थोड़ा लंच के लिए जाते हैं उसी जगह पे, जो अपने गोवा वाला कैफे अगर मेरे को नहीं देखा था तो उसी जगह पे, तो उस जगह जाएंगे, थोड़ा खाएंगे क्योंकि ट्रेनिंग भी है, 7 to 9 ट्रेनिंग है, शाम को ट्रेनिंग रहती है फ्लड लाइट्स एंड ऑल में। तो मोस्टली हम लोग शुरू करते हैं नेचुरल ग्रास में, ग्रास में प्रैक्टिस करते हैं पहले एंड उसके बाद भी मूव इन टू एस्ट्रोटर्फ। तो दोनों जूते कैरी करने पड़ते हैं ऑल। तो एंड अभी द वेदर अपडेट इन लंदन, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होगे, बहुत क्लाउडी है एंड इट्स पथेटिक क्योंकि कल इतना धूप था और आज इतना बारिश गिर रही है, ड्रिजल हो रही है, क्लाउडी वेदर है। मेरे को ट्रेनिंग के टाइम पे बारिश ठीक है मतलब, पर वो बाद में आके कपड़े धोने पड़ते हैं ना, दैट इज अ टास्क। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बारिश ना गिरे, फिंगर्स क्रॉस्ड है, बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है। एंड करेंटली अपडेट है कि मास्टर्स भी क्लियर हो गया है, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। एंड अभी लीग भी खेल रहा हूँ तो वापस फिटनेस पे ध्यान देना होगा, बिकॉज मैं जब से लंदन आया हूँ ना जिम कर पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ। मैनचेस्टर में आपने देखा होगा मैं जिमिंग करता रहता था, बट मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। बट जिम भी ज्वाइन करेंगे एंड विल गेट बैक ऑन ट्रैक इन लंदन एज वेल एंड धीरे धीरे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। मेरे को पता है मैं जितना मैनचेस्टर दिखा पाया उतना मैं लंदन नहीं दिखा पाऊंगा, बट लंदन में वी आर फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे एंड देखते हैं हाउ इट गोज। बट बने रहना इस व्लॉग में, आगे ट्रेनिंग सेशंस भी दिखाएंगे एंड मैच डेज भी दिखाएंगे। नेक्स्ट मैच होम गेम है 8 अक्टूबर को, दैट इज सैटरडे। मैचेस वुड बी लाइव ऑन द व्यू ऐप, वो ऐप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो जो फ्री रहेंगे वो देख सकते हैं। 2:30 PM BST, दैट इज ब्रिटिश समर टाइम किक ऑफ, 2:30 PM इंडिया में रफली अराउंड शाम का टाइम रहेगा। तो अगर आप देख सकते हो तो प्लीज देखना और सपोर्ट करना। फिलहाल इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो लंच डन हो गया है एंड मैं अभी जा रहा हूँ घर पे, ऑलमोस्ट पहुंचे जाऊंगा अभी, उसके बाद फटफट चेंज करके मेरे को ट्रेनिंग के लिए निकलना है। एंड जैसे कि देख सकते हो अभी वेदर क्लियर हो गया है एंड थैंक गॉड, मैंने बोला था फिंगर्स क्रॉस्ड कि वेदर क्लियर हो जाए, मेरे को बारिश नहीं चाहिए। एंड लकीली आप देख सकते हो मेरे पीछे इट्स अ ब्यूटिफुल वेदर नाउ। ठंड थोड़ी बढ़ गई है, रात को और ड्रॉप होगा क्लाइमेट, बट उस वेदर में ट्रेनिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। एंड मैंने अभी इट्स माई फेवरेट, लाइक जो डोज नो मी दे नो कि मेरे को चिकन बिरयानी कितनी ज़्यादा पसंद है एंड मैंने चिकन बिरयानी खाई अभी और प्रॉन्स मसाला खाया। हाँ इंडियन रेस्टोरेंट में गया था, वही अपना गोवा वाला जो कैफे था वहाँ पे ही गया था, वहाँ से ही खाया। एंड मेटाफोरिकल वे में अगर मैं पोर्ट्रे करूँ, मेटाफोरिकल वे में अगर मैं पुट करूँ वो चीज़ को, तो दोजो नो मी दे नो हाउ मच आई लव चिकन बिरयानी एंड वो चिकन बिरयानी के लिए क्या आई कैन किल एनीवन। सो ये मेटाफोरिकल वे में डालो तो ये चीज़ है, बट इट वॉज गुड, इट वॉज लवली। बट इंडिया में जो मैंने चीज़ खाई थी अब तक, मैंने 1000 रेस्टोरेंट्स में चिकन बिरयानी खाया है, इंडिया में अब्रॉड में बहुत जगहों पे चिकन बिरयानी खाई है, बट जो बेस्ट चिकन बिरयानी मेरे को लगी वो पूर्णा केटरर्स की थी। एंड पूर्णा मेरी फ्रेंड है, उसके मॉम का छोटा सा स्मॉल बिजनेस है अबाउट केटरर्स केटरिंग, तो उनके पास जो चिकन बिरयानी और प्रॉन्स मसाला है अब तक उस टेस्ट नहीं मिले मेरे को कहीं पे। लाइक आई हैव ट्राइड कि मेरे को उस लेवल तक के टेस्ट मिले, पर वो टेस्ट कभी नहीं मिली है मेरे को, ना अब्रॉड में ना इंडिया में। इसीलिए मैं कब से क्रेव करता हूँ और मेरी जब भी बात होती है उनसे मैं यही बोलता हूँ उनको कि जो टेस्ट उनकी है ना वो बहुत अलग है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाल दूँगा, जिनको भी बिरयानी खानी होगी, नॉन वेज वेज फूड जो भी है, फिश आइटम्स या कुछ भी, सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम
एंड चिकन बिरयानी इज़ द बेस्ट बाय द वे, और उनकी टेस्ट सबसे अलग है। सो इट्स 6:45 और जस्ट एज आई टोल्ड यू वेदर बहुत बहुत ज़्यादा चिल हो गया है अभी, एंड मैं आई फॉरगॉट टू चेक द टेम्परेचर्स बट आई नो इट्स ड्रॉप बिकॉज समझ रहा है वेदर से, बट अभी मैं निकला हूँ ट्रेनिंग के लिए, इट्स 15 मिनट है एंड आई एम गोइंग साइकिल से जा रहा हूँ, दैट्स माई राइड टूडे, और फटाफट जाते हैं ट्रेनिंग सेशन पे एंड फिर मिलते हैं, ट्राई करते हैं आपको ट्रेनिंग दिखाए, थोड़ी सी झलक दिखाए, एंड मेरी नई पोजीशन है तो बहुत सारे जो फुटबॉलर्स रहेंगे जो मेरे को जानते हैं उनके लिए बहुत ऐसे अजीब रहेगा टू सी मी इन गोल डू गोल कीपिंग एंड स्टफ्स, बट ठीक है, चेंज इज़ कॉन्स्टेंट एंड होना भी बहुत ज़रूरी है, इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो यू नीड टू गेट आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन, दैट इज़ वॉट आई फील, एंड अभी देखते हैं शायद ट्रेनिंग सेशन भी लाइव होगा वीओ ऐप पे मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ग्रुप में वैसे सब बातें चल रही थी, सो लेट्स सी होता है नहीं होता है आई डोंट नो अबाउट इट, बट 15 मिनट्स है बाय साइकिल एंड दैट्स आ होम ग्राउंड एज वेल, तो जो सैटरडे को गेम है वो होम में ही है तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करेंगे, देखेंगे कैसा एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल द स्काई लुक्स, पीछे आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है स्काई, तो अब जा रहे ट्रेनिंग, लेट्स सी हाउ इट गोज, सो देखते रहना ये व्लॉग। आई वाज जस्ट राइडिंग द साइकिल और एक ब्यूटीफुल ब्रिज, लुक हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, और ये ब्रिज से हम लोग जा रहे हैं, अभी बस 5 मिनट का रास्ता है, नीचे देख सकते हो ये ट्रेन लाइन है उसके ऊपर ये ब्रिज है, और रात को सबसे खूबसूरत लगता है यहाँ से टू साइकिल, और ये जो ट्रैक है ये साइकिल का ट्रैक है, ये फुटपाथ है और यहाँ से गाड़ियाँ जाती है, ब्यूटीफुल 5 मिनट्स टू गो, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, अब मूव कर रहा है शॉर्ट ऑफ में जैसे कि आप देख सकते हो, एंड मेरा वैसे पता चल गया कि बहुत टायरिंग सेशन था, पूरा वार्म अप कंडीशनिंग यहीं पे करते हम लोग, अभी आशोट ऑफ मूविंग कर रहे हैं, इट्स ब्यूटीफुल, लेट्स सी आई विल शेयर द ग्लिम्स विद यू ऑल, तो वही प्रॉब्लम डिड नॉट शूट द एंडिंग ऑफ द व्लॉग, एंड अभी रात को बैठा हूँ मैं टू एडिट एंड व्लॉग एंड कर रहा हूँ, तो अगर आपने अभी तक देखा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर देना, हो सके तो बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा सपोर्ट करना, एंड द थिंग इज़ कि एक्चुअली देयर वाज अ थिंग कि जो कैमरा था मैं ट्रेनिंग सेशन पर रख नहीं पाया ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, क्योंकि थोड़ा परमिशन एंड ऑल का थोड़ा सीन था एंड ऑल, तो मैं कर नहीं पाया वो चीज़, बट सैटरडे को मैच डे है तो तब करेंगे, कैमरा ले रखेंगे एंड लेट्स सी हाउ इट गोज, तो देखते रहना और मिलते हैं अगले व्लॉग में।